हेलो गाइस, मैं राजेश अंगड़। बच्चों, आज के लेक्चर में भी हम वाई शेप डायग्राम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वाई शेप डायग्राम के बेसिस पर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं और सारी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना या सारी वैरायटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम हम यहाँ पर ले सकते हैं जिसकी स्टडी हम करते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ जो कि बहुत अच्छा है। Assuming the dot present in last of this sentence is made by carbon 12, यानी जो इस सेंटेंस के लास्ट में जो डॉट बनी हुई है वो कार्बन 12 की बनी हुई है, ऐसा एज्यूम करना है। यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाली डॉट की बात कर रहा है क्योंकि सेंटेंस यही है। Now, if the mass of carbon present in the dot is 6 microgram, इस डॉट का जो मास दिया हुआ है उसका इस डॉट का जो मास दिया हुआ वो है 6 माइक्रोग्राम, और आपको पता है ये कार्बन की बनी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन द डॉट, यानी इस डॉट के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। यानी सिंपली अगर मैं कहना चाहूं तो यहाँ पर कार्बन का मास दिया हुआ है और आपसे एटम्स पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो इस टाइप का है कि कंफ्यूज हो जाए, यानी बच्चा आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर दिया हुआ, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा बच्चों, यहाँ पर कार्बन की बात कर रहा है, ये कार्बन डॉट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब डब्ल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6 माइक्रोग्राम दिया हुआ है, और GMM ग्राम मोलर मास है वह आपका हो जाता है क्योंकि कार्बन है इसलिए 12 हो जाता है। कितना बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूंगा 12 ग्राम, 6 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम एक यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। माइक्रो मतलब 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 को रिप्रेजेंट करता है, और ग्राम जो है वो मास की यूनिट है। इसका मतलब यहां पर लिख सकता हूं 6 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 ग्राम, क्योंकि 1 माइक्रो का जो है वो 1 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी माइक्रो के जगह 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 रख दिया, यहां पर आपको मास मिल गया। ठीक है बच्चों, और जीएमएम ऑलरेडी है, से क्या निकालना, एटम्स निकालना। आप वापिस से देखिए बच्चों, डब्ल्यू आपको गिवन है, पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोल्स एक तरह के या एक तरह से चौराहे की तरह काम करता है। मतलब कहीं पर भी जाओ, मास से मॉलिक्यूल्स में जाओ या मास से एटम में जाओ या मास से वॉल्यूम में जाओ, आपको मोल से गुजरना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डब्ल्यू जो है उससे पहले मोल निकालेंगे और उसके बाद में आप एटम्स निकालोगे, क्योंकि कार्बन तो एटम्स के फॉर्म में रहता है तो डेफिनेटली वहां पर एटम्स ही मिलेंगे। यानी डब्ल्यू से एन जाते हैं तो डिवाइड बाई जी एम एम हम लिखेंगे, ग्राम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स मिल जाएंगे, और अगेन जो मोल्स है उसको एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज आपको मिल जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चले बच्चों, सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स क्या होगा, डब्ल्यू डिवाइड बाई जी एम एम, आपका डब्ल्यू है 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 ग्राम डिवाइड बाय यहां पर 12। आप जब इसको सॉल्व करते हो तो यहां पर 1/2, यानी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1/2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, ये मोल मिलेंगे। लेकिन मुझे तो नंबर चाहिए यार, तो एन से मल्टीप्लाई कर लो, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर मोल मल्टीप्लाई बाई एन ए रख दीजिए बच्चों, एन की वैल्यू 1/2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, और यहाँ पर एन ए की जो वैल्यू है, एवोगाड्रो नंबर है, एन ए की वैल्यू रखोगे 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। जब आप इसको सोल्व करते हो तो 3.011 वैल्यू आती है, रखो बच्चों, और यहाँ पर माइनस 6 और यहाँ पर 23, तो जब इसको सोल्व करते हो क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर 3.011 इंटू 10 रेज़ टू द पावर आपका होगा बच्चों 23 में से माइनस 6 प्लस हो गया तो यहाँ पर आपको 17 मिल जाता है। क्या मिलता बच्चों, 17। यानी इसका जो आंसर होगा वो 3.011 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17। ये एटम्स कार्बन के प्रेजेंट रहेंगे इस छोटी सी डॉट के अंदर, इतने सारे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। इस नंबर को देख करके ही आप पता कर सकते हैं या आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो काफी 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 छोटे होते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 22 ग्राम CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम 1.2044 मल्टीप्लाई बाय 10^24 मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन है, इफ 22 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 1.2044 इंटू 10^24 CO2 मॉलिक्यूल्स, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 विल लेफ्ट। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों ये है, आपको मॉलिक्यूल्स बताने हैं किसके, CO2 के, या CO2 के मोल्स बताने हैं। जब 22 ग्राम CO2 इतने मॉलिक्यूल्स में से रिमूव करते हैं, तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब कभी भी लीटर में से दूसरे लीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा। मतलब आप मीटर में से लीटर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जब किसी टू वैल्यूज को आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ऐसे में बच्चों यहां पर हम देखेंगे इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब मॉलिक्यूल में से आप मास को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो पहले क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल में से को पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास को भी मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें मोल ही चाहिए। तो ऐसे में फिर उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एक दूसरे में से, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आंसर होगा। तो बच्चे यहाँ पर सॉल्यूशन हम लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, कितना 1.2044 इंटू 10^24। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मोल्स से, तो मैं ऐसा कर सकता हूं मोल्स ऑफ CO2 ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा 1/2044 मल्टीप्लाई बाय 10^23। जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसको Na से डिवाइड कर देंगे, याद है ना, नंबर से मोल्स में जाने के लिए Na से डिवाइड करते हैं। Na की वैल्यू रख दो यार, क्या होगा बच्चों 1.2044 इंटू 10^24 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10^23। जब बच्चों इसको सोल्व करते हो तो 0.2 आता है, जब इसको सोल्व करोगे तो 10 आएगा, यानी 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मिलेगा 2। यानी इनिशियली आपको 2 मोल्स CO2 गिवन है, लेकिन कुछ CO2 के मॉलिक्यूल्स या कुछ CO2 का मास यहां से रिमूव कर रहे हैं। कौन सा, ये वाला, ये रिमूव मास है, ये तो क्या है टेकन, यानी जो आपको दिया गया वो तो ये है, लेकिन रिमूव किया गया मास कितना, इतना। तो मैं यहां पर लिखता हूं WCO2 रिमूव्ड कितना होगा बच्चों, आप कह सकते हो 22 ग्राम। तो यार जब ये तो मोल में से मास तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो क्या करें, उसको भी मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है मास से मोल जाने के लिए डिवाइड बाय GMM, रखो यार मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड, जो रिमूव्ड क्या होगा बच्चों, यहां पर 22 तो इसका मास था, मोलर मास कितना होगा, कार्बन का आप देख सकते हो यहां पर कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2, जब ऐड करोगे तो आपको 44 मिल जाएगा, जब यहां पर 44 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2,
Na2 ऊपर 1 तो क्या होगा मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड, रिमूव्ड कितना होगा बच्चों इन दोनों 1/2 यानी 0.5 कर सकते हो, 1/2 0.5 यानी 2 मोल इनिशियली हमने लिए थे और उनमें से 0.5 मोल को हम घटा रहे हैं यानी हटा रहे हैं वहां से, क्या हो गया कुछ कुछ बचेगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं मोल्स ऑफ CO2 रिमेन क्या होगा बच्चों कितना बचेगा आप कर सकते हो 2 में से 0.5 चला जाएगा तो 1.5 मोल्स है वो बचे रहेंगे, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 1.5 मोल्स। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बच्चों एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट इक्वल मास ऑफ CO2 एंड प्रोपेन इज टेकन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बोथ मास। क्वेश्चन नंबर 2 इक्वल मास ऑफ CO2 एंड प्रोपेन इज टेकन, इक्वल मास ऑफ CO2 एंड प्रोपेन C3H8 इज प्रोपेन आर टेकन, फाइंड द रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन CO2 एंड प्रोपेन। ठीक है बच्चों यानी CO2 एंड प्रोपेन में जो मास हमने लिया था CO2 एंड प्रोपेन का उसके अंदर आपको एटम्स का रेशियो फाइंड आउट करना, CO2 एंड C3H8 मास रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन CO2 एंड प्रोपेन्स मास ऐसा लिख सकता हूं मैं यहां पर, यानी इनके जो मास आपने लिए हैं उनके अंदर एटम्स का रेशियो क्या होगा ऐसा कहा गया, जबकि यहां पर दोनों का जो मास है वो क्या बच्चों इक्वल है। तो पहले तो मान लेते हैं कि यहां पर जो मास है CO2 का मास भी डब्ल्यू ग्राम मान लेते हैं और प्रोपेन का मास भी डब्ल्यू ग्राम मान लेते हैं, तो सॉल्यूशन है लेट मास ऑफ CO2 टेकन इज इक्वल क्या होगा डब्ल्यू ग्राम, तो मास ऑफ प्रोपेन टेकन ये भी कितना होगा बच्चों आपका तो डब्ल्यू ग्राम में होगा क्योंकि इक्वल मास है, यहां पर इक्वल मास ऑलरेडी गिवन है। GMM निकाल लेते हैं, GMM ऑफ CO2 थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कार्बन का 12 ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप रखेंगे 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपका हो जाएगा 44 ग्राम। और अगर हम देखते हैं बच्चों GMM ऑफ प्रोपेन निकालते हैं तो GMM ऑफ प्रोपेन ये क्या होगा बच्चों C3 मल्टीप्लाई बाय आपका 12 क्योंकि प्रोपेन जो होता है बच्चों C3H8 होता है और आपने देखा कि एक कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, तो 3 का कितना होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 साथ में 8 हाइड्रोजन भी है तो क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1 जब ऐड करोगे अगेन यहां पर आपका 44 ग्राम ही आएगा यानी दोनों का मोलर मास सेम है, तो क्या करें बच्चों मुझे तो एटम्स ही आपको मास गिवन है मास से एटम भी जाना है, इसका मतलब आपको ईच स्टेप पर फोकस करना पड़ेगा। मैं क्योंकि रेशियो की बात करूंगा बच्चों तो यहां पर CO2 रखता हूं यहां पर प्रोपेन रखता हूं, यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा मास कितना बच्चों
मास हमने लिया यहां पर डब्लू ग्राम, डब्लू ग्राम मास से फिर मोल कैलकुलेट किया। आपको पता कि मोल कैलकुलेट करने के लिए जीएमएम से डिवाइड करेंगे, यानी डब्लू डिवाइड बाय जीएमएम, और यहां पर भी डब्लू डिवाइड बाय जीएमएम ये रखा। क्या करें बच्चों, हमें मॉलिक्यूल्स में जाना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिर यहां पर मॉलिक्यूल्स निकालो, कैसे निकालेंगे, मास से मोल जाने के लिए जीएमएम से डिवाइड किया था, मोल से मॉलिक्यूल जाने के लिए एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट डायग्राम में हमने देखा था बच्चों। तो यहां पर डब्ल्यू डिवाइड बाई जीएमएम मल्टीप्लाई बाई एन ए, यहां पर भी क्या होगा डब्ल्यू डिवाइड बाई जीएमएम मल्टीप्लाई बाई एन ए। ये तो मॉलिक्यूल्स मिले, इसके सीओ टू के मॉलिक्यूल मिले एंड प्रोपेन के मॉलिक्यूल हो, लेकिन आपने देखा कि यार एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स, थ्री, तो टेन में कितने होंगे, थर्टी, तो इतने में कितने होंगे मल्टीप्लाई बाई थ्री, तो एटम्स लिख लो बच्चों यहां पर क्या होगा डब्ल्यू डिवाइड बाई जी एन एम इंटू एन ए इंटू थ्री, तो इसके एटम्स कितने होंगे, थ्री तो कार्बन, एट हाइड्रोजन, थ्री एंड एट इलेवन, रखो यार डब्ल्यू डिवाइड बाई जी एन एम इंटू एन ए इंटू इलेवन। बच्चों जब आप सोल्व करते हो तो आपने देखा डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया क्योंकि हमें तो रेशियो चाहिए यार, यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों रेशियो चाहते, तो आप ऊपर भी जो है या रेशियो यानी रेशियो निकाल लेते हैं, सब कुछ कैंसिल कर देते, लेकिन फाइनली वैल्यू में हम सोल्व करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जी एन एम से जी एन एम कैंसिल हो जाएगा, एन ए से एन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या थ्री रेशियो इलेवन, तो आपका आंसर क्या होगा थ्री रेशियो इलेवन। इस रेशियो में इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे, जो गिवन मास है और जो इक्वल मास आपने लिया उसके अंदर एटम्स का रेशियो थ्री रेशियो इलेवन रहेगा। आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि मास से मोल कैलकुलेट करना है तो जीएमएम से डिवाइड करेंगे, फिर मोल से नंबर ऑफ स्पीसीज जाने के लिए एनएस से मल्टीप्लाई करना है जैसे कि वाई शेप डायग्राम में देखा था, और अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट एटम की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स की बात करेंगे तो क्या एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन है वन पॉइंट फाइव जीरो इंटू टेन की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन टू ओ गैस इज प्रेजेंट in a vessel of some volume eight one atm pressure and 300 Kelvin temperature, find the volume of vessel, का वॉल्यूम फाइंड आउट करना बच्चों। क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी दी हुई है,
1.50 into 10 raised to the power 23, ये नंबर ऑफ स्पीसीज है। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा P is equal to nRT, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके अंदर अगर आप मोल्स फाइंड आउट, जो स्मॉल n है वो मोल्स होता है, तो इसका मतलब इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़े। तो बच्चों n से मोल जाने के लिए na से डिवाइड करते हैं, याद है ना आपको, डिवाइड बाय na। हाउ एवोगाड्रो नंबर से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं पहले, यानी मोल इज इक्वल टू क्या होगा, 1.50 इनटू 10 रेस्ट टू द पावर 23 डिवाइड बाय 6.022 इनटू 10 रेस्ट टू द पावर 23। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा आपको आंसर आएगा 1/4। ये तो मोल्स है, मोल्स मिल गए। क्या टी की वैल्यू आपका 180 एम गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन गिवन है, वी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करें, यूजिंग पी वी स्क्वायर बाय आरटी, यूजिंग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम चाहिए तो रखो एन आर टी बाई पी, एन की वैल्यू 1/4। आपको पता है आर की वैल्यू तो होती है 0.0821। मैं इसको यहां पर नीचे रखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर n की वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, 1। तो क्या सॉल्व करें इसको, हाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6.15 मीटर। ये वॉल्यूम ऑफ N2O गैस होगा जो हमें मिलेगा, कितना 6.15। इस तरह से बच्चों वाई शेप डायग्राम के बेसिस पर हम वेरियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम आज के लेक्चर में हमने सॉल्व किया। थैंक यू।